आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और गुड मॉर्निंग कैसे कोई गुड मॉर्निंग का हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं कर रही हूँ कंघी, नहा धोकर आ चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो चुकी है, तो अब क्या कहना है, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, वैसे कल बाजार था तो सब्जी आई नहीं है क्योंकि शुक्ला जी बिजी थे, तो हमें सब्जी की व्यवस्था करनी होगी। तो हमने जो अपने छोटे से खेत में सब्जी लगाई हुई है तो उसको हम, यानी जो चने की भाजी हो गई है, बाकी की भाजी बिल्कुल छोटी छोटी हैं, तो चने की भाजी में आज धावा बोलते हैं और उसकी जो क्या बोलते हैं, खोटना, तो उसको हम भाजी को तोड़ेंगे और आलू मिक्स करके बनाएंगे। तो देखते हैं, पहली बात तो मैंने कभी ये ऐसी रेसिपी यानी ऐसी सब्जी मैंने भाजी बनाई नहीं है, आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है। और चलो तो जूड़ा लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने छोटे से खेत में। एक खेत हमारा ये है और एक छोटा सा खेत हमारा छत के ऊपर है जिसमें हमने भाजियाँ लगाई हुई है। मेथी की भी है, यहाँ पर चने की लगी हुई है और देसी टमाटर भी लगा हुआ है, वो छोटे छोटे टमाटर रहते हैं ना वो, और देसी धनिया लगी हुई है। और ऊपर छत पर मेथी की भाजी भी लगी हुई है, मूली लगी हुई है, पालक की भाजी लगी हुई है, और वहाँ पर ये जैसे यहाँ पर देसी धनिया है, वहाँ पर विदेशी धनिया है यानी बड़े बड़े पत्तों वाली है, तो हम लगा के रखे हुए हैं। जब कभी इमरजेंसी में सब्जी नहीं होती है तो अभी ठंड में तो यही है, जल्दी से ये सब्जी जल्दी हो जाती है तो तोड़ के अपना ताज़ी ताज़ी सब्जी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हो रहा था तो वही मैं बता रही थी शुक्ला जी को, इसलिए मैं देख रही थी वहाँ पर और अपनी भाजी भी तोड़ते जा रही थी। तो बस मैं इसी तरीके से, वैसे मैं सच बताऊं, मैंने ये जो चने की भाजी है कभी काट कर नहीं बनाई है, हमेशा मैं उबाल कर पीस कर बनाती हूं, तो मैं आज पहली बार ट्राई करने वाली हूं, पता नहीं कैसी बनती है। तो यहां पर मैंने अदरक लहसुन मिर्ची कट करके रखे हैं और टमाटर, तो इसको मैं मिक्सर में छोटे जार में पीस लूँगी। ये देखो मैंने भाजी धोकर अच्छी तरीके से और कट करके रख दी है, साथ में कटी प्याज और टमाटर और कुछ आलू हैं मैंने, तो यहाँ पर देखो मैंने पेस्ट बना लिया है अदरक लहसुन मिर्च का और एक टमाटर मिक्स करके। और यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो मैंने, चलो ऑयल डाल देते हैं और थोड़ी सी ना इसमें जो आप लोगों को चने की भाजी के साथ थोड़ी सी मेथी की भाजी और मूली के कुछ पत्ते, तो वो भी मैंने कट कर लिए थे, ऊपर से मैं तोड़ के लेके आई थी, मैंने शायद कम बनेगी। वैसे भी आप लोगों को पता है जब भी अपन ये भाजी वगैरह बनाते हैं तो वो ना पक करके थोड़ी सी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने प्याज मेथी से छौंक लगाया, थोड़ी सी मेथी दाने डाल दिए थे तो चट आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पर प्याज डाल दी है जो कटी प्याज रखी हुई थी, अदरक लहसुन मिर्च का जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ वो मैं बाद में डालूंगी। तो यहाँ पर मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मेरी मसालेदानी में था नहीं तो मैंने लिया, पैकेट खोलना पड़ेगा तो थोड़ी देर से डाल देंगे। और इसके बाद मैं टमाटर इसमें ऐड कर दे रही हूँ, जब तक ये पकेगा जब तक हम यहाँ पर जो धनिया पाउडर का पैकेट है वो लेकर कट कर लेते हैं। मसालेदानी में थोड़े से धनिया पाउडर हम डाल देंगे क्योंकि उसमें ख़त्म हो चुका था, तो ये मसालेदानी बहुत ही अच्छी है इसलिए क्योंकि हमें बार बार अलग अलग तरीके से डब्बे नहीं उठाने पड़ते हैं। इसी मसालेदानी में हमारे पास छः सात कटोरियाँ रहती हैं, उसी में थोड़े थोड़े मसाले हम भर लेते हैं तो करीब एक डेढ़ हफ्ते चल जाता है हमारा मसाला, तो इसी तरीके से हम कटोरियाँ भर लेते हैं, नहीं तो फिर बड़े बड़े डब्बे उठाओ तो उसमें थोड़ी सी हेडेक होती है। इससे अच्छा तो छोटी छोटी मसालेदानी में यानी डब्बियों में भर लो, उसमें मेरा हींग, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक बस नहीं रखती हूँ क्योंकि वो स्टील है ना, इसलिए वैसे नमक ना हमको कांच के जार में रखना चाहिए पर कांच का जार मैं नहीं रख पाऊँगी इसलिए क्योंकि वो टूट जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया, थोड़ी देर पकने देंगे उसके बाद भाजी डाल देंगे, तो देखते हैं कैसी बनती है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी बने, और यहाँ पर आलू धोकर रखे हुए थे, काट लिए थे और धो लिए थे, तो ये चलो भाजी डाल देते हैं जो कट करके रखी थी।
और ठंड के मौसम में ये हरी हरी साग बहुत अच्छी लगती है। पत्तेदार सब्जियाँ खानी भी चाहिए, हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है। एक यही मौसम रहता है जिसमें हरी हरी सब्जियाँ ज़्यादा मिलती है। वैसे तो आजकल 12 महीने मिलने लगी है, पर यह है कि इस समय लोग ज़्यादा खाते हैं और ठंड में भूख भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गर्मियों में तो आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा ज़्यादा जूस और पानी से काम चलाते हैं, खाना इतना नहीं खपता, ऑयली खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं हम। तो ये देखो हमारी भाजी, हम बस इसको चला ले रहे हैं, सारा मसाला नमक वगैरह सब कुछ इसमें डाल दिए हैं। बस इसको कुछ देर तक ढक कर के रख देंगे। और हमें थोड़ा सा चाय का ऑर्डर आ गया, तो हम चाय भी चढ़ा दिए हैं बाजू में और इसको ढक दे रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंगे रोटी। देखो हमारी भाजी पक कर तैयार हो गई है, और भाजी तो आजकल जल्दी पक जाती है और टेस्टी भी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी भाजी। फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया, और खाना नहीं, नाश्ता या खाना जो भी समझो, क्योंकि चावल रखे हुए थे रात के और रात की रोटियाँ रखी हुई थी, और अभी की जो मैंने भाजी बनाई है वो तो मैंने थोड़ी सी भाजी ली, और रात के चावल मैंने फ्राई किए अच्छे से, मस्त प्याज व्याज डालकर और आलू कट करके अच्छा सा चावल फ्राई किया, और रात की रोटियां थी यानी दो रोटी थी, तो दो में से एक खाई एक रखी हुई है, तो वो गाय को दे देंगे। तो अभी मेरा नाश्ता खाना जो भी था वो हो गया है, और आटा गूंथ के रख दिया है अभी ये लोग, क्योंकि लोगों ने चाय बिस्किट खाई हुई थी, और आप लोगों को पता है चाय के साथ ये लोग का तो खा पी लेते हैं पर मैं नहीं खा पाती, तो अब इन लोगों के लिए खाना यानी नाश्ता खाना जो भी है तो मैं बनाऊंगी। तो बस रोटियां सेकना है अभी, सब्जी भाजी शाम को दाल चावल वगैरह बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही। और ये मैंने जैकेट डाली हुई है, ठंड लग रही थी तो ये जैकेट डाली हुई है। और अब जाते हैं, थोड़े से बर्तन निकले हैं तो वो धो लें, और उसके बाद हम फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ रोटियाँ सेकने के लिए, और चलो जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं क्योंकि शुक्ला जी को भूख लगी है, और हमारी ये जैकेट थोड़ी सी ढीली ढाली लग रही है, तो प्लीज़ माइंड मत करना क्योंकि ये जैकेट हमारे भैया की है और हमने पहन ली है, हमको पसंद आई थी तो हमने उनसे ले ली। और भैया हमसे वैसे छोटा है, हमसा एक ही भाई है हमारा, छोटा सा है और खोटा भी है। और चलो तो हम बढ़िया बढ़िया सी रोटी सेक के अपने शुक्ला जी के लिए थाली लगाना है। तो यहाँ पर श्रेया, वैसे उन्होंने बोला था श्रेया जल्दी से थाली लेकर आओ यानी खाने की, नाश्ते की, तो हमको भूख लगी है, तो यहाँ पर हम शुक्ला जी की नाश्ते की थाली लगा देते हैं। तो थोड़ी सी भाजी रखी है, यह गर्मा गर्म रोटियाँ, और रोटियों में घी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनसे हम पूछ लेते हैं रोटियों में घी लगाना है, तो वो बोल देते हैं हाँ तो लगा देते हैं और नहीं तो नहीं लगाते हैं। यहाँ पर मिर्च अचार भी रख दिए हैं। उसके बाद खाने पीने के बाद आप लोगों को पता है कि ठंड लगती है, और हम आ गए हैं धूप में बैठने, और यहाँ पर हम नेल पेंट लगा रहे हैं, बर्तन धोकर ही आए हैं, और जब तक काम पड़ा रहता है ना तो बड़ी टेंशन सी रहती है, और जब से हम यूट्यूब पर जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन, हम औरतों को ही बहुत टेंशन रहती है, बोलते हैं कि घर पर बैठे बैठे क्या करती हैं, बस खाना बना लिया खा लिया सो गई, टीवी देख ली उठ गई, बस यही काम रहता है औरतों को। पर औरतों से पूछो कि बेचारी दिन भर दिमाग में टेंशन लिए रहती हैं, पति का भी ख्याल, सास ससुर का ख्याल, बच्चों का ख्याल, समय पर खाना बनाना, समय पर किचन का यानी मेंटेन करना, और उसके बाद गृहस्थी की भी टेंशन, और हम यूट्यूब पर भी आ गए हैं ना तो यूट्यूब की भी टेंशन रहती है साथ साथ में। सच में हमारा दुख हम ही समझ सकते हैं, और क्योंकि हमारे जैसी जो हाउसवाइफ हैं और जो इतनी गृहस्थी में लीन है तो वही समझ सकती हैं। तो यहाँ पर हम अपना नल जाओ जल्दी, चलो फ्रेंड्स तो हम लोग पानी पीते हैं इसलिए क्योंकि ना ठंड में धूप में बैठे हुए हैं, और धूप में बैठे बैठे ना प्यास बहुत लगती है। तो ये श्रेया ना दे नहीं रही, मस्ती करती है, ऐसे नहीं करना चाहिए श्रेया। बहुत अच्छा पानी लग रहा है सच में, बहुत ही प्यारा प्यारा, क्योंकि धूप लग रही है, पैर मेरे बिल्कुल बर्फ की तरह है। तो ये सब पास वो मैंने करके वो ये तो
मजा आई मम्मी। तो श्रावी बैठी हुई है धूप में, हम लोग दोनों बैठे हुए हैं। मैं अभी बहुत सारी बातें करूंगी पर थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे ना दो लोगों को विश करना है, तो मैं थोड़ी देर से बातें करूंगी और बताऊंगी आप लोगों को कि किसको किसको विश करना है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ, धूप में बैठी थी ना, तो वहाँ धूप में बैठने जाओ ना तो नींद आने लगती है, तो मैं आ गई हूँ और मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी यहीं पर लेटे लेटे। मैंने चलो थोड़ा लेट जाते हैं, और हमारे घर में मेहमान भी आ चुके हैं, यानी हमारी दीदियाँ आई हुई हैं और उनके बेटी भी आई हुई है, बेटा बेटी भी, तो अच्छा लग रहा है। और मुझे नींद आ रही थी, मैंने बोली चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, पर जैसे ही मैं वाइटी स्टूडियो खोलती हूँ ना तो मेरी नींद पूरी भाग जाती है, क्योंकि मैं इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स रहते हैं सबके कि मन गदगद हो जाता है वो कमेंट्स पढ़कर, बहुत अच्छा लगता है। और चलो बैठ के मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना लाइट का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा वीडियो बन रही है। तो चलो कोई नहीं, हम देख तो रहे ना आप लोगों को। पता नहीं रेड रेड सा वीडियो बनता है यहाँ पर। तो मैं कहना चाह रही थी ये, अभी मैं छत से आई ना तो स्वेटर मैंने पहन ली थी, क्योंकि मेरे को ना ठंड लग रही थी। धूप से आओ और अंदर आके ना इधर ठंड लगने लगती है। धूप में तो अच्छा बढ़िया सा लगता है, तपते रहते हैं, पर अंदर आओ तो फिर वही बर्फ़ की तरह। तो मैं इधर आकर सोने के लिए आई थी, पर अब नहीं सो रही हूँ। मक्खी भुनभुना रही, भाभी तुम लोग भुनभुना रहे थे, मक्खी भुनभुनाने लगी। तो फ्रेंड्स मैं आज दो लोगों के नाम लेने वाली हूँ, और वो दो लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक है अंजलि शुक्ला, और अंजलि शुक्ला के जो भाई हैं शुभम शुक्ला। अंजलि शुक्ला हमारी वीडियो को रोज़ वॉच करती हैं और प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट्स पढ़ के। और तो अंजलि शुक्ला के भाई शुभम शुक्ला को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ, और हो सके तो आप लोग भी बधाइयाँ दो, क्योंकि उनका आर्मी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि उनका आर्मी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत 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 तरक्की करो, खूब आगे जाओ और हमारे देश का नाम रोशन करो। और दूसरा नाम मैं लेना चाहती हूँ सुनीता सेठी, जो कि बहुत अच्छी सिस्टर हैं। तो उनका जो उनके बेटे हैं उनका बर्थडे कल था, तो कल उन्होंने बताया, तो आज मैं वीडियो पर नाम ले रही हूँ। तो हैप्पी 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 वाला बर्थडे बेटा, और आप बहुत तरक्की करो, खूब आगे जाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। तो चलो मैं बस ये दो लोगों के नाम लेना चाहती थी, और अगर किसी का नाम लेना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं अपनी वीडियो पर नाम लेने की कोशिश नहीं, जब आप लोग बताओगे तो बिल्कुल नाम लूँगी। तो अगर भूल जाऊँ तो मुझे फिर से याद दिला दीजिएगा। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को शाम को।